नंबर 25, करनाल में दिन प्रतिदिन कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है। वहीं करनाल के सदर बाजार में दो और नए केस सामने आए हैं, जिसमें एक 16 साल का बच्चा व एक 50 या 55 के करीब का व्यक्ति बताया जा रहा है। मौके पर डॉक्टर्स की टीम व पुलिस की टीमों ने पहुंचकर एरिया को सील करने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी। साथ ही परिजनों को आइसोलेशन करवाने के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया है। इसी के साथ करनाल में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है, जिसमें एक्टिव केस की संख्या 8 हो गई है। यहां आपको बता दें कि 14 मरीज ठीक होकर अपने घर आ चुके हैं, वह एक की इनमें मृत्यु भी हो चुकी है। सदर बाजार एरिया में पहुंचकर डॉक्टर्स की टीम ने परिजनों व आसपास के लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग व अन्य जांच प्रारंभ कर दी है। वहीं पुलिस द्वारा एरिया को बैरिकेटिंग लगाकर सील करने की कार्यवाही भी प्रारंभ कर दी गई है। करनाल के डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि करनाल में कोरोना मरीजों की संख्या कुल 23 है, एक्टिव केस की संख्या 8 है, 14 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। सर भी ई रिक्शा चलाते हैं और सेकंडली ओम प्रकाश है, जिसकी एज लगभग 60 to 65 ईयर्स है, जो पॉजिटिव है, जिसकी अभी तक ट्रैवल हिस्ट्री कोई पता नहीं लग पाई, बट ये भी केस पॉजिटिव है। अभी डॉक्टर साहब और सभी टीमें आ गई है, थर्मल स्कैनिंग सभी के आस पड़ोस में चेक किया जा रहा है, सभी जो घर क्वारंटाइन किए जा रहे हैं आसपास वाले, और सारे एरिया को जो कंटेनमेंट जोन बनाकर अभी सबको अभी सील कर दिया जाए। सर, जो 16 साल का एक बच्चा है जिसका पॉजिटिव आया है, तो उनको अपने परिवार के पास भी आए थे दिल्ली से आने के बाद, या डायरेक्टली वो हॉस्पिटल गए थे? नहीं, वो अपने परिवार के पास नहीं आया, बट वो किसी से लिफ्ट लेके मीराघाटी चौक तक आया दिल्ली से, बट वहाँ से उसके फादर उसको ई रिक्शा पर हॉस्पिटल छोड़कर फादर घर आए हैं वापस, वो पेशेंट खुद नहीं आया, पेशेंट तो हॉस्पिटल में और वहीं उसको आइसोलेट कर रखा था, वहीं उनको रख लिया, बट उसके अलावा उसके फादर तो आए हैं, वो भी उसके कॉन्टैक्ट में गए हैं, जिस कारण उस एरिया को भी कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। और वो उसका तो जो 7 वर्ष के शख्स का यहाँ पर पॉजिटिव आया है, वो यहीं पर रहा करते थे? हाँ बिल्कुल, वो वहीं रहा करते थे, उनकी कोई भी अभी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं पता चल पाई, बट अभी उनसे भी जल्दी। आप सबको मेरा नमस्कार। आज 22 मई 2020 के संदर्भ में करनाल जिले से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक तो आज करनाल जिले में 2 कोरोना के नए पॉजिटिव केसेस आए हैं। ये दोनों केसेस करनाल शहर के सदर बाजार एरिया से संबंधित रखते हैं। इनमें एक युवक है जिसकी उम्र 16 साल है और एक बुजुर्ग है जिनकी उम्र 60 साल है। इन दोनों को हमने कल्पना चावला में ट्रीटमेंट इनका शुरू कर दिया है और इनकी परिवार को भी सैंपल लेने के लिए कल्पना चावला में हम शिफ्ट कर रहे हैं। इस प्रकार से करनाल में अभी टोटल एक्टिव केसेस की संख्या 8 हो गई है, 14 लोग ठीक होकर के अपने घर जा चुके हैं, जबकि करनाल में कोरोना से 1 मौत हुई है। इस प्रकार से टोटल केसेस की संख्या करनाल में अभी 23 हो गई है, जिनमें से 8 एक्टिव हैं। इसके अलावा एक दो और सूचनाएं इंपॉर्टेंट मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक तो वो सभी लोग जिनको हरियाणा के किसी भी जिले में जाना है, तो उनको अब हरियाणा सरकार ने सुविधा दी है कि उनको किसी भी प्रकार के पासेस की आवश्यकता नहीं है, यानी विद इन हरियाणा स्टेट ट्रैवल के लिए आपको किसी प्रकार के पास की जरूरत नहीं है, आप फ्रीली आ जा सकते हैं। अगर आपको हरियाणा राज्य से बाहर जाना है तब आपको पास के अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। साथ ही जो हमारे माइग्रेंट भाई बहन हैं, जो प्रवासी भाई बहन हैं, उनके लिए मैं शेयर करना चाहूँगा कि करनाल प्रशासन ने लगभग अभी 4000 लोग उनके गंतव्य स्थलों तक और डिस्ट्रिक्ट्स तक भेजे हैं, और कल भी बिहार के लिए हमारी ट्रेन है जिसमें लगभग 1600 लोग उनके स्थान तक जाएंगे। तो मेरी सभी प्रवासी भाई बहनों से अपील रहेगी कि धैर्य रखें और जैसे जैसे प्रशासन के पास ट्रेन्स की बसेस की अवेलेबिलिटी होती जाएगी, आपको अपने गृह जिलों तक भेजने का कार्य चलता जाएगा। और हमारी प्रशासन की पूरी कोशिश रहेगी कि हर एक प्रवासी भाई बहन को जो अपने गृह जिले में जाना चाहता है, उसको हम निशुल्क बिना कोई किराया लिए और सुरक्षित तरीके से उनके गृह जिलों में भिजवाएंगे। साथ ही अंत में मैं हमारे सभी करनाल वासियों से अपील करना चाहूँगा, क्योंकि जिले में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, रोजाना एक दो नए केसेस आ रहे हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा एहतियात बरतने की आवश्यकता है। सभी लोग मास्क पहने, मास्क बिना पहने घर से बाहर निकालना दंडनीय अपराध बना दिया गया है, उसके लिए आपका चालान हो सकता है। साथ ही जहाँ पे भी जाएं, चाहे बाजार में जाएं, एटीएम पे जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, एक दूसरे से 6 फीट की दूरी पे यानी 2 गज की दूरी बना करके खड़े हों, और समय समय पर हैंड वॉशिंग करते रहें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। अगर ये 3 चीज़ें हम करते रहेंगे, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग, तो हम इस कोरोना की लड़ाई से जीत पाएंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार। जय हिंद।
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.